हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मातृशक्ति वो शक्ति होती है जो एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हमारे देश में मातृशक्ति को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है और इसलिए माँ शक्ति की पूजा बहुत ज़रूरी हो जाती है किसी भी काम में सफलता पाने के लिए। माँ शक्ति वो शक्ति हैं जिनकी शक्ति के आगे हर शक्ति फेल हो जाती है, नाकामयाब हो जाती है। हमारे देश में धरती को भी धरती माँ कहकर पुकारते हैं, देश को भी हम भारत माता के नाम से पुकारते हैं, सृष्टि को भी हम लोग स्त्रीलिंग कहकर सृष्टि देती है, सृष्टि करती है, इस तरह से पुकारते हैं। यानी हर जगह माँ को वो रेस्पेक्ट हमारे देश में दी जाती है जो कहीं और शायद दिखलाई नहीं पड़ती। यानी वेस्टर्न कल्चर में जितना अधिक महत्व माँ को नहीं दिया जाता, इंडियन कल्चर में कहीं अधिक महत्व माँ का होता है। एक माँ के साथ बच्चे का अटूट रिश्ता होता है। कल्कि अवतार की मातृशक्ति की पूजा, माँ शक्ति की पूजा कल्कि अवतार ज़रूर करेंगे, लेकिन किसके आदेश पर? क्योंकि जब एक बच्चा जन्म लेता है तब उसे हर चीज़ बतलानी पड़ती है, सिखलानी पड़ती है। उसी प्रकार जब कल्कि देव ने भी इस धरती पर जन्म लिया तब उनके गुरु ऑलरेडी इस धरती पर विद्यमान, जिनका नाम परशुराम, जो खुद ही विष्णु भगवान, लेकिन भगवान की लीला देखिए कहीं बन बैठे वो गुरु इसी जन्म में, और इसी जन्म में कहीं बन बैठे वो गुरु के शिष्य यानी कल्कि देव, और नतमस्तक होकर गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाया। उस शीश के लिए, उस आशीष के लिए जो उन्हें ज़रूरी है अपने जीवन में, और इसी तरह से उनकी शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग यानी परशुराम ने जो कुछ उन्हें सिखाया उसके अकॉर्डिंग आज कल्कि देव तैयार हैं। किस चीज़ के लिए? फाइनल वॉर लड़ने के लिए, लोगों को न्याय देने के लिए, और जिस सनातन धर्म की स्थापना करने हेतु या युग परिवर्तन के मिशन को कामयाब बनाने हेतु, सर्व प्राणी के कल्याण हेतु जब वो यहाँ पर विद्यमान है तो वो पूरी तरह से आज तैयार है। परशुराम के आदेश पर ही माँ शक्ति की पूजा कल्कि अवतार करेंगे, ना सिर्फ करेंगे बल्कि उन्हें यानी कल्कि अवतार को माँ शक्ति अपने विभिन्न रूपों में सपोर्ट करेंगी। क्योंकि जब नरसंहार यहाँ पर इस धरती पर होगा, उन लोगों का नरसंहार जो कि वास्तव में नर नहीं बल्कि राक्षस बन गए हैं, जो कि असुरी प्रवृत्तियों को अपने अंदर समा चुके हैं, जो आज मानव धर्म भूलकर दानव धर्म अपनाते जा रहे हैं, ऐसे असुरी शक्तियों का विनाश और ऐसे असुरों का विनाश जो मानव रूप को, मानव रूप में आकर मानव को कलंकित कर रहे हैं, ऐसे लोगों का डिस्ट्रक्शन जब होगा तो कल्कि देव के साथ माँ शक्ति, माँ भैरवी के रूप में, माँ बगलामुखी के रूप में और माँ काली के रूप में ऑलवेज विद्यमान रहेंगी। माँ दुर्गा के, माता वैष्णवी तो वैसे भी कल्कि अवतार के साथ हैं, लेकिन माँ शक्ति अपने 10 रूपों में कल्कि अवतार के साथ टाइम टू टाइम उन्हें सपोर्ट देने के लिए हमेशा ही उनके साथ रहेंगी, चाहे वो किसी भी रूप में हो, 10 रूप में से किसी भी रूप में। माँ शक्ति का आह्वान सबसे पहले ब्रह्मा जी ने किया, फिर उनकी पूजा विष्णु भगवान ने की, फिर माँ शक्ति की पूजा की परशुराम ने, और अब बारी है कल्कि देव की। क्योंकि बिना माँ शक्ति की पूजा के, बिना उनके आशीर्वाद के कल्कि देव भी अपनी फाइनल बैटल को लड़ने के लिए ना तैयार होंगे और ना वो तैयार होना चाहेंगे, क्योंकि उनके साथ भी मातृशक्ति का आशीष अति आवश्यक है। तो यदि आप भी चाहते हैं अपने जीवन में
कामयाबी हासिल करना। यदि आप भी चाहते हैं माँ शक्ति का आशीर्वाद, तो सिर्फ भगवान शिव की पूजा करना काफ़ी नहीं, बल्कि भगवान शिव के साथ माँ शक्ति की पूजा करना भी अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि शिव और पार्वती जिन्हें अपना आशीर्वाद दे देते हैं उन्हें फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो माँ शक्ति और कल्कि अवतार का अटूट संबंध, किसी भी रूप में आकर माँ शक्ति उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगी। ना सिर्फ आशीर्वाद प्रदान करेंगी, बल्कि अपनी खड़ग, अपनी तलवार और अपने विभिन्न अस्त्रों के साथ ऑलवेज उनके साथ खड़ी रहेंगी। फाइनल बैटल में, ना सिर्फ फाइनल बैटल में, बल्कि युग परिवर्तन की जो उनकी जर्नी है, हर स्टेप पर विभिन्न रूपों में उनके साथ खड़ी होकर उन्हें सपोर्ट करेंगी और उनके युग परिवर्तन के मिशन को सक्सेसफुल बनाएंगी। तो कल्कि अवतार और माँ शक्ति का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता जिसे कभी भी कोई नकार नहीं सकता, और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि विष्णु भगवान को भी पता है कि कल्कि के रूप में यदि उन्हें शिव शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए फिर उन्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो आज की डेट में सारे देवी देवतागण धरती पर मौजूद हैं कल्कि देव के मिशन को कामयाब बनाने के लिए, उन्हें सक्सेस दिलाने के लिए। हालांकि विष्णु भगवान के आखिरी अवतार अपने आप में ही पूर्ण अवतार हैं, अपने आप में ही वो 64 कलाओं के स्वामी हैं, अपने आप ही उनके पास इतनी शक्तियां हैं। परशुराम जिनके गुरु हों उनके पास भला किस चीज़ की कमी। भगवान शिव का आशीर्वाद जिन्हें मिल चुका हो, भगवान शिव ने जिन्हें पशुपतास्त्र दे दिया हो, उन्हें भला किस चीज़ की कमी। लेकिन एक यूनिटी होती है और यही यूनिटी के द्वारा, इसी यूनिटी के द्वारा कल्कि देव भी सामने वालों के, दुनिया वालों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे अपने जीवन के द्वारा, कि जब भी कोई काम करो तब एकता के साथ काम करना चाहिए। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को नहीं, बल्कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इसको दिखलाते हुए, इसी पद्धति को फॉलो करते हुए पूरी डिवाइन टीम कल्कि सेना के साथ जुड़कर आज एक साथ उनके युग परिवर्तन के कार्य को लगातार आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो आने वाला समय बहुत ही भयावह, क्योंकि बहुत सारी मौतें, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं जो टल नहीं सकती, तृतीय विश्व युद्ध जिसके कारण भयानक गैस का रिसाव, जहरीली गैस जो लोगों के स्वास्थ्य पर असर डालेंगी। तो आज ही से हो जाइए सावधान, स्पिरिचुअलिटी की राह पकड़िए, शिव शक्ति की उपासना स्टार्ट कीजिए, कल्कि देव की, हनुमान जी की, राम कृष्ण की या राधे कृष्ण की, आप जिन्हें श्रद्धा से मानते हो, जिनके लिए आपके दिल में रिस्पेक्ट हो, जुड़ जाइए उनके साथ। लेकिन याद रखिए, स्वार्थ की पूर्ति हेतु नहीं, बल्कि निस्वार्थ भावना से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।